रेलवे में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर पटना में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और देखिए एक बार फिर से आज कहीं ना कहीं यहां पर उतर चुके हैं सभी छात्र और सभी का क्या कुछ कहना है वो तो हम जानेंगे, लेकिन किस प्रकार से कल देखेंगे तो अब प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद रात में ही रेलवे की तरफ से दो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कि पहला में कहा गया कि टेक्नीशियन की वैकेंसी हम बहुत जल्द ला रहे हैं और दूसरे में कहा गया कि हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो दूसरा में तो एज रिलैक्सेशन कन्फर्म हो गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी की बातें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र आज एक बार फिर से इकट्ठा हो गए, क्या कुछ कहना है इनका जिन्हीं से जाते हैं, एक बार फिर से आज आप लोग क्यों आ गए हैं यहाँ पर? मेन बात है हम लोग का हम लोग का मांग है कि इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, हम लोग बड़ा सा मांग तो मांग नहीं है, 2018 के बाद पहली बार 2024 में वैकेंसी आया, 6 साल के बाद वैकेंसी आया, कम से कम 50,000 वैकेंसी होना चाहिए, जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन स्टार्ट रहेगा। रेलवे ने रात में ही नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि हम टेक्नीशियन की बहाली बहुत जल्द ला रहे हैं और एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, क्या आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है? अभी जो दिया है उसमें बस स्टूडेंट को लॉलीपॉप चुमा रहा है, समझ रहे, लॉलीपॉप एकदम लॉलीपॉप है, कैसे लॉलीपॉप है? वैकेंसी वो बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन कब लाएगा, कैसे लाएगा, पहले ALP का वैकेंसी 50,000 करे उसके बाद हम लोग बैठने वाले हैं, तब तक ALP की वैकेंसी के लिए ALP के सबसे पहले से नहीं होगा नोटिस देने तो नहीं, आप समझते हैं एज रिलैक्सेशन भी देते हैं, सब देख करके हम लोग को ध्यान को भटकाया जा रहा है, प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, इसलिए नोटिस दिया गया है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दिया गया है, साजिश की जा रही है, क्यों किया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन से खुश नहीं है, नहीं खुश है, टेक्नीशियन की बहाली आ रही है उससे भी खुश नहीं है, हम लोग का मांग ALP 50,000 होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद टेक्नीशियन का अलग से वैकेंसी आए, ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी ALP को बढ़ाए, फिर वही है, जो दिया है उसमें इंक्रीज किया जाए, पहले कल शाम में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर आ गए, क्या करेंगे, मरेंगे, लेकिन हम लोग अपना अधिकार लेकर छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे सरकार, ये हमारा अधिकार है, नहीं मानेंगे, अधिकार लेकर छोड़ेंगे, अगर टेक्नीशियन पड़ेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, टेक्नीशियन में वैकेंसी की बात कर रहे हैं, अगर उसमें भारी मात्रा में वैकेंसी दे दिया जाए तो आप लोग मान जाएंगे? वो बाहर की बात है, हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ALP को बढ़ाया जाए, पहले दिया है, सुनिए भैया सुनिए, टेक्नीशियन का दिया है उसके बाद, और देखिए और आज कहीं ना कहीं देखिए छात्र ने रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है, और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में सार संग्रह के रूप में आपको किताब मिल जाए तो आपका जो भी एग्जाम है चाहे ALP का आने वाला है, RPF SI आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी सभी के सभी क्वेश्चन करके कवर किए गए हैं और टीचर्स की सारे सारे इसमें दिए गए तो आप इसको जरूर देखिए, आपके बहुत कारगर रहेगा। नेता दिलीप जी भी छात्र नेता दिलीप जी भी छात्रों के साथ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं दिलीप जी अगर इस आंदोलन में आए हैं तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को एक अलग से इसमें एक बेनिफिट मिल सकता है। दिलीप जी कहीं ना कहीं आज आप जरूर लेट आए हैं, एक दो दिन हुआ है, क्या वजह है आखिर की छात्रों को बार बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है? देखिए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के तरफ देश भर के करोड़ों युवा जिसमें बिहार के सबसे ज्यादा युवा हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे, 5-6 साल से लगाए हुए हैं, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जो उम्मीदें आपसे देश के युवा कर रहे हैं, करोड़ों युवा कर रहे हैं, जिसने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, बार बार वोट दिया, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है नरेंद्र मोदी जी कि जितने भी रेलवे में पद खाली है उन सभी पे वैकेंसी निकालिए, ALP की सीटें बढ़ाइए और उम्र सीमा में छूट दीजिए, जितने उम्र सीमा में छूट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि ALP का वैकेंसी बढ़ाया जाए, छात्र ये पहले कह रहे हैं कि ALP का वैकेंसी बढ़ाया जाए, तो क्या आप लोग पहले ALP की वैकेंसी बढ़ाएंगे उसके बाद दूसरा वैकेंसी एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल ALP की वैकेंसी बढ़ाए सरकार और भी जो वैकेंसी आएगी फ्यूचर में उसमें भी उम्र सीमा की छूट मिले, हमारा ये कहना है, और कैलेंडर जारी हो कि कब एग्जाम लीजिएगा, कब रिजल्ट आएगा, वार्षिक कैलेंडर जारी हो और जितने रेलवे में सरकारी पद है सब पे वैकेंसी आए और ALP की सीट बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल जब छात्र अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके बिना इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर लिए, आज आप हैं, कल छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, कहीं ना कहीं जब आप BPSC आंदोलन में थे तो वहां पर आपके ऊपर भी लाठी चार्ज हुई थी और
और उसके बाद किस प्रकार से आपने एक आमूलचूल परिवर्तन लाया था, एक बड़ा आंदोलन किया था, तो क्या रेलवे छात्र के लिए भी आप डटे रहेंगे उसी तरह? बिल्कुल हम डटे हुए हैं, हम कल परसों भी रहते, लेकिन चूंकि हम लोग का उधर आंदोलन दूसरे चल रहा था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को था, तो उधर हम बिजी थे, तो इसलिए नहीं आ सकते। और दोनों आंदोलन के बीच में दूरियां बहुत है, यहाँ मुसल्लापुर हाट और वहाँ मिलर हाई स्कूल, तो अब हमारे पास कोई संसाधन नहीं कि तुरंत हम आ सकते थे। तो रेलवे, क्या रेलवे के छात्र के पूरी मांगों के साथ अभी जाएंगे आप? बिल्कुल, हम रेलवे अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, और हम तो इनके लिए अगस्त में भी आंदोलन करने वाले थे, लेकिन उस समय कुछ लोग माहौल ये कर दिए कि वैकेंसी आने वाली है, तो नहीं हो पाया आंदोलन, तो हम तो उस समय से आंदोलन करने वाले थे। हम सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश भर के करोड़ों युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए, हाथ जोड़कर विनती है, और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन, और किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक, क्योंकि लोकतंत्र। क्या जिस प्रकार से कल छात्र गए थे आंदोलन करने के लिए, आज एक बार फिर से उसी प्रकार जाएंगे या फिर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण बैठ कर? बस हम लोग का शांतिपूर्वक आंदोलन है, भूख हड़ताल है, ठीक है ना, आज हम लोग अनशन पे बैठेंगे, गांधीवाद तरीके से बैठेंगे, जब तक वैकेंसी नहीं, एएलपी में वैकेंसी नहीं बढ़ेगा, तब तक हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे, आराम से रोड पे बैठेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग को एएलपी का वैकेंसी 50,000 बढ़ना चाहिए, उसके बाद कैलेंडर जारी होना चाहिए, उसके बाद अलग से टेक्नीशियन का वैकेंसी आना चाहिए, ग्रुप डी का वैकेंसी अलग से आना चाहिए, आरपीएफ का वैकेंसी आना चाहिए। जब तक एएलपी का वैकेंसी नहीं बढ़ेगा और कैलेंडर जारी नहीं होगा, तब तक हम लोग हड़ताल से हटने वाले नहीं है। ये देखिए, और ये आप फ्लैक्स देखिए, किस प्रकार से इनका कहना है कि धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आज 30 तारीख को समय 10 बजे मुसल्लापुर हाट में, और सभी छात्रों का साथ देना, और इसके साथ छात्र नेता दिलीप जी भी आ चुके हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं पूरे वैकेंसी के संदर्भ में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द इस पूरे अपडेट के साथ ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।